गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, लास्ट क्लास ब्लीचिंग पाउडर ख़त्म हो गया था। टुडेज टॉपिक इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाँ, प्लास्टर क्या होता है? प्लास्टर तो आप सबने देखा होगा, जब भी किसी के बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो डॉक्टर ले जाने के बाद प्लास्टर बांध देता है। हाँ, हम उसी प्लास्टर की बात करने जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है। ऐसा नहीं कि हम कुछ और बात करेंगे, हम सिर्फ उसी की बात करने जा रहे हैं। सो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक्चुअली होता क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। अब हेमी क्या आ गया? कैल्शियम सल्फेट तो समझ में आ रहा होगा आपको, CaSO4। हेमी, हेमी वर्ड आपने पता क्या वहाँ पढ़ा होगा? हाँ, जब आप स्पेयर मैथ्स में पढ़ते हैं, स्पेयर और हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर क्या होता है? हाफ। हेमी का मतलब होता है हाफ, तो यहाँ पर हेमी का मतलब हाफ। हेमी हाइड्रेट, हाइड्रेट का मतलब लास्ट टाइम हमने सीख लिया था क्या होता है? H2O। यानी कि जब मेरे पास कैल्शियम सल्फेट हो और उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की हाफ मॉलिक्यूल अगर प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसी को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो हेडिंग आपने डाल दिया, अब आप लिखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। द फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। द नेम प्लास्टर ऑफ पेरिस केम फ्रॉम द फैक्ट, ये नेम कहाँ से लिया गया है? दैट इट वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मेड बाई द हीटिंग जिप्सम विच वॉज मेनली फाउंड इन पेरिस। जिप्सम एक केमिकल है जो कि उसी की हेल्प से हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाया गया था। कहाँ पर? पेरिस में। इसीलिए उसके नाम को क्या कहा गया है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। पहली बात तो प्लास्टर है CaSO4 हाफ H2O। ऑफ पेरिस, पेरिस क्यों लगा? क्योंकि ये जो बनाया गया, ये किसे बनाया गया? जिप्सम से। और जिप्सम कहाँ पाया जाता था? पेरिस में। इनिशियली स्टार्टिंग में प्लास्टर ऑफ पेरिस वॉज यूज इन मैसिव वे इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। स्टार्टिंग में कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में, हाँ, यानी कि बिल्डिंग्स वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा यूज क्या किया जाता था? प्लास्टर ऑफ पेरिस। बट नाउ इट हैज़ मेनी अदर यूजेस। अब हम इसके और भी कई जगह यूज करते हैं, विच वी विल लर्न आफ्टर अ वाइल, जो कि हम अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। पहले तो हम पढ़ेंगे कि इसको बनाते कैसे हैं, उसका इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। उसके बाद जब हम यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ेंगे तो वहाँ हम डिस्कस करेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कॉमनली नोन एज POP। क्या? POP। पी स्टैंड फॉर प्लास्टर, ओ स्टैंड फॉर ऑफ एंड पी स्टैंड फॉर पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, एक बार फिर से, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O। केमिकल नेम क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद इसके नाम में पेरिस क्यों यूज किया जाता है? बिकॉज प्लास्टर ऑफ पेरिस इज डिराइव्ड फ्रॉम अ केमिकल जिप्सम विच इज फाउंड इन पेरिस। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अब प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है? तो जिप्सम से बनाया जाता है। अब जिप्सम क्या है? जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट ट्वाइस हाइड्रेट, 2H2O। इसको जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं तो बताइए क्या होगा? ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ये ब्रेक डाउन होके एक तो बनाता है कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस हेमी हाइड्रेट। और 1.5 H2O वेपर बन के रिलीज हो जाता है। सो बस यही है, दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज दिस। दिस इज जिप्सम, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.2H2O। यानी जब कैल्शियम सल्फेट में वाटर मॉलिक्यूल के दो क्रिस्टल्स और लेवल हों तो उसे हम क्या कहते हैं? जिप्सम। जब हम उसको ओवर हीट कर देते हैं तो उससे वो क्या बन जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम, आप ये हेडिंग बना लेंगे। जिप्सम इज कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट, डाई का मतलब डबल, दैट इज जिप्सम इज कैल्शियम सल्फेट कंटेनिंग टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन।
वो तो आप ऐसे ही समझ जाएंगे, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर बाई हीटिंग जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डॉट टू एच टू ओ टू अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम 373 केल्विन भी कहते हैं, क्योंकि मुझे पता है डिग्री सेल्सियस को केल्विन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, 273 ऐड करना पड़ता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन बनाना है तो 273 ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 373 केल्विन। यानी कि हम चाहे 1 मीटर कहें या 100 सेंटीमीटर कहें, क्या दोनों में कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं, दोनों का आपको नंबर अलग अलग देखने को मिल सकता है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू दोनों की क्या है, सेम होती है। वैसे ही चाहे आप 100 डिग्री सेल्सियस कहिए या 373 केल्विन, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। सो जब हम जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, देन व्हेन जिप्सम इज हीटेड टू अ टेम्परेचर दिस मच इट लूजेस 3/4 ऑफ इट्स वाटर, ये अपने वाटर का 3/4 पार्ट लूज कर देता है। अब देखिए जिप्सम में कितने वाटर मॉलिक्यूल थे, 2H2O, इसका 3/4 ये लूज करता है, यानी कि 3/4 ऑफ 2H2O हमें कैलकुलेट करना है। इसे डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा, 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं ना, ठीक है। यानी कि इतना वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है, लूज हो जाता है। अब दो में से आप 1/2 को माइनस करेंगे तो आपको क्या बचेगा, 1/2 H2O बच जाता है। यानी कि जो कैल्शियम सल्फेट में 2 H2O थे उसमें से इतना वाटर का मॉलिक्यूल तो गायब हो जाता है, तो कितना बचता है फिर, सो द रिमेनिंग एज कैल्शियम सल्फेट 1/2 H2O, और इसी को हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, सही है। सो देखिए ये आपका रिएक्शन, आपको ऊपर से कुछ नहीं लिखना है, बस आपको ये यहाँ से यहाँ तक नोट करना है, और ऊपर जो हमने आपको टिक कराया था यहाँ से लेकर यहाँ तक, बस ये करना है, कर सकते हैं। चलिए इसके बाद कुछ और थोड़े से डिटेल्स में चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है, आइए हम भी पढ़ लेते हैं। देखिए इन द प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस हीटिंग ऑफ जिप्सम शुड बी कंट्रोल्ड केयरफुली, हाँ उस टाइम पे जब हम जिप्सम को हीट करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं तो हमें टेम्परेचर को बहुत ही आराम से कंट्रोल करना पड़ता है, बहुत ही केयरफुली करना पड़ता है। द टेम्परेचर ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ जिप्सम शुड नॉट बी अलाउड टू गो अबव 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि अगर आप उसको कंट्रोल नहीं किए तो पहले 98 होगा, 99 होगा, फिर 100 होगा, क्या 100 पर रुक जाएगा अपने आप, नहीं, फिर तो कुछ देर बाद वो 101, 102 ऐसे करके बढ़ता जाएगा, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। एक बार अगर आपको जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिल गया तो अब आप उसको वहीं पे उसको कांस्टेंट करके रखेंगे, यानी कि अब उसका टेम्परेचर आगे बढ़ना नहीं चाहिए। दिस इज बिकॉज इफ जिप्सम इज हीटेड अबव 100 डिग्री सेल्सियस देन ऑल इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विल गेट एलिमिनेटेड एंड एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट कॉल्ड डेड बर्न प्लास्टर इज फॉर्म्ड, क्योंकि अगर ऐसा हो गया आपका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला गया तो जो जिप्सम था कैल्शियम सल्फेट 2H2O इसमें से 1/2 H2O ही नहीं, ये पूरा का पूरा H2O गायब हो जाएगा और क्या बचेगा, सिर्फ आपको कैल्शियम सल्फेट मिलेगा। क्या कैल्शियम सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस है? बिल्कुल नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये कब होता, जब इसी कैल्शियम ऑफ सल्फेट में 1/2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता, क्योंकि यहाँ पे 1/2 H2O नहीं है, सो दिस इज नॉट प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको हम बोलते हैं डेड प्लास्टर ऑफ पेरिस, डेड POP भी हम इसको बोल सकते हैं, या एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। एनहाइड्रस का मतलब इसके अंदर वाटर के क्रिस्टल बिल्कुल मौजूद नहीं है। नेक्स्ट देखिए द एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट और डेड बर्न प्लास्टर डज नॉट सेट लाइक प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑन एडिंग वाटर। अब अगर आपके पास एनहाइड्रस सल्फेट कैल्शियम सल्फेट है, यानी कि वो डेड प्लास्टर है, उसमें 1/2 H2O का क्रिस्टल पहले से मौजूद नहीं है, और आप अगर उसमें वाटर मिलाएंगे तो प्लास्टर की तरह काम बिल्कुल नहीं करेगा। वो प्लास्टर की तरह काम तभी करेगा जब आप जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाए होंगे।
नोट इन द फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हाफ एच टू ओ गिवेन इन द एबव इक्वेशन, ऊपर दिया है ना वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हाफ, लेकिन एक्चुअली हमें पता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स वन हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकता है, आधा थोड़ी होता है, आधा नहीं होता ना। तो उस केस में एक्चुअली वो आपके कैलकुलेशन को टफ ना हो इसलिए ऐसा लिख दिया गया है, जबकि एक्चुअल रिएक्शन अगर आप देखें तो वो कैल्शियम सल्फेट हाफ एच टू ओ ना होकर वो क्या होता है, एच टू को यहाँ पर अप्लाइए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेगी ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट एच टू ओ, ये भी आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है एक्चुअली, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन क्योंकि अभी आप 10th स्टैंडर्ड में हैं तो आपके कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा रही हैं, इसलिए आपको ऐसा ऊपर वाले रिएक्शन में लिख के दे दिया गया है। ये बिल्कुल सही है, इसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये चीज़ ऐसे एग्जिस्ट नहीं करती, एग्जिस्ट किस फॉर्म में करती है वो इस फॉर्म में। उसी के साथ ही आपको कितना वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करते हुए दिखा था, वन एंड हाफ, ये भी गड़बड़ है, वन एंड हाफ एग्जिस्ट नहीं करता। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, थ्री बाई टू एच टू ओ, क्या थ्री बाई टू एच टू ओ पॉसिबल है, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, टू का इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, थ्री एच टू ओ हो जाएगा। यानी कि जो हमारी एक्चुअल रिएक्शन है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, टू एच टू ओ गिव्स अस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट दैट इज पी ओ पी प्लस वन एंड हाफ एच टू ओ, ये जो रिएक्शन है एक्चुअली ये रिएक्शन ऐसे नहीं होती है, अगर हम इसका एक्चुअल रिएक्शन लिखे तो वो होता है टू टाइम्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट गिव्स यू कैल्शियम सल्फेट। अब देखिए ये हाफ एच टू ओ नहीं मिलेगा, ये टू ऊपर आ जाएगा और ये बन जाता है टू कैल्शियम सल्फेट एच टू ओ प्लस, ये भी वन होल वन बाई टू है, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, थ्री बाई टू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये थ्री बाई टू नहीं बनेगा, ये क्या बन जाएगा फिर, थ्री एच टू ओ बन जाएगा। ये होता है एक्चुअल पॉसिबल रिएक्शन, लेकिन सिंपल रिएक्शन अगर हमें कभी लिखना है तो हम ऐसे भी लिख के छोड़ देंगे तो वो गलत नहीं है। ध्यान से देख लीजिए बैलेंस है कि नहीं, कैल्शियम बैलेंस, सल्फेट बैलेंस, वाटर के चार मॉलिक्यूल होने चाहिए, होने चाहिए ना, देखिए एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे है और तीन वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हैं, हो गए चार बैलेंस्ड। सो आइए नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, प्लीज नोट दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास वाटर का आधा मॉलिक्यूल, ये किसी भी मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन आपको देखने को मिले, अगर कभी मिलता है तो आप उसी नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करके उसको शिफ्ट कर दिया करें। द फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ एच टू एक्चुअली मीन्स दैट टू मॉलिक्यूल्स और टू फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट शेयर वन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, सो दैट द इफेक्टिव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर वन कैल्शियम सल्फेट यूनिट कम्स टू हाफ ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। वो यही चीज़ कहा जा रहा है, देखिए जब आप इसको हाफ एच टू ओ का मतलब वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास दो मॉलिक्यूल कैल्शियम सल्फेट के हैं तो उसमें एक मॉलिक्यूल किसका होना चाहिए था, वाटर का, समझ में आ गया मेरी बात, कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, द फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन ऑल्सो बी रिटेन एज टू टाइम्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट डॉट एच टू ओ, इन फैक्ट वी कैन मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन गिवन अबव बाय टू एंड राइट अनदर इक्वेशन इन द प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, हम उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और ये फॉर्म ज़्यादा बेहतर है, यही फॉर्म अभी हम आपको एक्सप्लेन कर रहे थे वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, कर सकते हैं। चलिए तो अभी इसको भी नीचे लिख लीजिएगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। फर्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर, सही है। सेकंड, प्लास्टर ऑफ पेरिस हैज अ वेरी रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इनटू हार्ड मास ऑन वेटिंग विद वाटर, इसका मतलब कि ये लगभग आधे घंटे में ही प्लास्टर में कन्वर्ट हो जाता है,
सो व्हेन वाटर इज एडेड टू प्लास्टर ऑफ पेरिस, जैसे ही आप प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाते हैं ये तुरंत आधे घंटे में एकदम हार्ड कन्वर्ट हो जाता है। द सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ड्यू टू इट्स हाइड्रेशन टू फॉर्म क्रिस्टल्स ऑफ जिप्सम विच सेट टू फॉर्म हार्ड सॉलिड मास। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे आप प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाते हैं वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाता है, जिप्सम में। यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की ये भी खास बात है, क्या है वो, जैसे ही आप उसको पानी में मिक्स करते हैं आधे घंटे के अंदर ही वो वापस अच्छे से फिक्स हो जाता है। अच्छे से फिक्स होने का क्या मतलब है, वो बहुत ही हार्ड में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए जैसे आप प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलाएंगे वो तुरंत जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, और जिप्सम कैसा होता है, बिल्कुल हार्ड होता है। यानी कि जब प्लास्टर कराया जाता है उस टाइम पे तो वो प्लास्टर पाउडर होता है, लेकिन जैसे ही उस पर पानी मिला दिया जाता है वो इतना हार्ड हो जाता है कि फिर आपसे जल्दी टूट भी नहीं सकता। द सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अकम्पनीड बाई अ स्लाइट एक्सपेंशन इन वॉल्यूम ड्यू टू विच इट इज़ यूज इन मेकिंग कास्ट फॉर स्टैचूज ट्वाइज एक्सेट्रा। हाँ, ये क्या होता है, स्टैचू और ट्वाइज वगैरह बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। इसके साथ साथ एक अच्छी प्रॉपर्टी ये दी गई है कि जब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर मिलाते हैं यानी कि वो वापस से जिप्सम में कन्वर्ट होता है तो उसकी वॉल्यूम बोले तो स्पेस ऑक्यूपाइड थोड़ी सी क्या होती है, बढ़ जाती है। ये सब आपको लिखना नहीं है, बस ये सब आपको जानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये वाला पॉइंट आप लिखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम ऐसे जगह पे रखेंगे जहाँ पे मॉइस्चर ना हो, यानी कि जहाँ पे वाटर का कांटेक्ट ना हो, क्योंकि अगर वाटर का कांटेक्ट आ गया तो फिर वो वहीं पे जमना स्टार्ट हो जाएगा और वो जम जाएगा, फिर वो आपके किसी काम का नहीं रहेगा। पसंद में आ गई ये, अगर आप सीमेंट देखे होंगे तो बिल्कुल सीमेंट की तरह काम करता है। अगर नहीं देखे हैं तो मार्केट में मिल जाता है आराम से। आप पावर 250 ग्राम आधा किलो करिए क्या प्लास्टर सॉरी सीमेंट लेके आइए घर पे और उसमें पानी डाल के छोड़ दीजिए, आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद वो जम जाता है। हाँ, उसी तरह से जब प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, अगर उसको आपने ऐसा कंटेनर में रख दिया जहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स उसको मिल जाते हैं या रिएक्शन कर पाता है, फिर वो तुरंत हार्ड होके जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज बिकॉज, यानी कि आप यहाँ से पूरा यहाँ तक लिखेंगे, द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर कैन कॉज स्लो सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस बाई ब्रिंगिंग अबाउट इट्स हाइड्रेशन। धीरे धीरे वो हाइड्रेट होने लगेगा और वो वापस से जिप्सम में कन्वर्ट होने लगेगा। दिस विल मेक द प्लास्टर ऑफ पेरिस यूजलेस आफ्टर सम टाइम, और कुछ टाइम के बाद वो बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा, यानी कि फिर आप उसको कहीं यूज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहाँ पर किया जाता है, पहला, हाँ जो आप सोच रहे थे वही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर सेटिंग फ्रैक्चर बोन्स इन द राइट पोजिशन टू इंश्योर करेक्ट हीलिंग। आपको तो इतना पता ही होगा, बायोलॉजी में इस चीज़ सिखाई जाती है कि हमारी बोन्स के अंदर एक स्पेशल क्वालिटी होता है, वो सेल्फ रिपेयरिंग प्रोसेस पे काम करता है। यानी कि अगर आपका बोन थोड़ा सा डैमेज हो गया है तो वो कुछ दिनों के बाद वो वापस से अपने आप को सही कर लेता है। हाँ, जैसे सेल्स, अगर आपकी कहीं सेल्स ख़राब हो जाती हैं तो वो सेल्स वापस से अपने आप को धीरे धीरे क्या करती है, ठीक कर लेती हैं। कुछ ऐसा ही होता है यहाँ पर भी, क्लियर है। तो देखिए हमें क्या करना होता है, मान लीजिए मेरे यहाँ पे जो ज्वाइंट है ये बोन थोड़ा सा डैमेज हो गया, डैमेज होने का मतलब अपनी जगह से खिसक गया, और मुझे वापस इसको सही करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आप इसको सही तरीके से जहाँ होना चाहिए वहाँ ला के इसको कुछ दिनों तक वैसे छोड़ दीजिए, कुछ दिनों के बाद वो वापस से अपने जगह पर ये फिक्स हो जाता है। तो प्लास्टर करता क्या है, एक्चुअली डॉक्टर क्या करते हैं, जब प्लास्टर बांध देते हैं तो ये चीज़ इंश्योर करते हैं कि अब आप अपने हैंड को हिला नहीं सकते, जिस ज्वाइंट पे उसको सही होना है वो ज्वाइंट आपका हिलता नहीं है। जैसे अगर कभी यहाँ चोट लगती है तो यहाँ से यहाँ तक प्लास्टर बांध देते हैं, यानी कि आप इसको मोड़ नहीं पाते। जब आप इसको मोड़ेंगे नहीं तो कुछ दिनों के बाद वो एक सही जगह पे रहेगा और वो आपस में अपने से ही वो क्या होता है, सही हो जाता है। तो प्लास्टर क्यों बांधी जाती है, क्या हड्डी को जोड़ने के लिए, एक्चुअली नहीं, प्लास्टर इसलिए बांधी जाती है कि वो सही पोजीशन पे बोन्स अपनी बनी रहे ताकि जब वो सही हो तो उसमें दोबारा कोई डैमेज ना आए। जैसे कि मान लीजिए ये मेरे पास एक स्ट्रेट मार्कर है, आप मार्कर मार लीजिए, ये यहाँ से टूट गया,
तो जब हम चिपकाते हैं तो हम पहले क्या करते हैं, जहाँ जैसे टूटा होता है उसको वैसे सेट करते फिर चिपकाते हैं, कुछ ऐसा ही है। यानी कि बोन्स को वापस से सही होने के लिए उसको सही पोजीशन पर रखना होता है, और वो सिर्फ सही पोजीशन से रखने के लिए हम प्लास्टर बांधते हैं, बाकी उसका और कोई यूज नहीं होता। तो आप इसमें यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, ठीक है। दिस यूज इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मिक्स विद अ प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड अप्लाइड अराउंड द फ्रैक्चर लिम्स इट सेट्स इन टू अ हार्ड मास। ये इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि पहले आप प्लास्टर ऑफ पेरिस के पाउडर चारों तरफ लगा के फिर वाटर जब गिराएंगे तो एकदम हार्ड हो जाएगा, फिर वो चीज़ों को वहाँ से मुड़ने नहीं देगा। यानी कि जिस पोजिशन पर आप अपने बोन्स को सेट करना चाहते हैं वो उसी पोजिशन पर बना रहेगा। इट कीप्स द बोन ज्वाइंट्स इन अ फिक्स पोजिशन। ये जिस भी ज्वाइंट पे आप लगा रहे हैं उसको फिक्स रखता है, यानी उसको हिलने डुलने नहीं देगा। इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग कास्ट इन डेंटिस्ट्री। हाँ, ये डेंटिस्ट्री में भी काम आता है। सेकेंड, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज इन मेकिंग ट्वाइज डेकोरेटिव मटेरियल्स चीप अर्नामेंट्स। यानी कि ऐसी ज्वेलरी जो कि बिल्कुल सस्ती होती है, कॉस्मेटिक्स, ब्लैकबोर्ड चॉक्स एंड कास्ट फॉर स्टैचू, स्टैचू वगैरह में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज एज अ फायर प्रूफिंग मटेरियल। हाँ, ये फायर से बचाने के लिए भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज इन केमिस्ट्री लेबोरेटरीज फॉर सीलिंग एयर गैप्स इन apparatus where एयर टाइट अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड। ये लैब में भी यूज किया जाता है। हाँ, हमारे लैब में नहीं, साइंटिफिक लैब में, जब हम गैस जनरेट करते हैं और हम नहीं चाहते वो गैस कहीं और रिलीज होकर जाए, लीक करे, तो हम क्या करते हैं, जो apparatus यूज करते हैं उसमें जहाँ जहाँ गैप होती है वहाँ वहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस डाल के पानी डाल देते हैं, क्योंकि वो पॉइंट अच्छे से फिक्स होकर जम जाए, और वो क्योंकि वहाँ पर जो होल था वो फिक्स हो गया, अब वो फिल्ड हो गया, तो वहाँ से अब गैस बाहर नहीं आ पाएगी। लास्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज फॉर मेकिंग सर्फेसिस लाइक वॉल्स ऑफ ए हाउस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज सर्फेस यानी कि दीवारों को बनाने में भी किया जाता है। स्मूथ बिफोर पेंटिंग देम, पेंट करने से पहले हम उस पर क्या करते हैं, पुट्टी, आपने सुना होगा पुट्टी, लोग पुट्टी कराते हैं, उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का मिक्सिंग रहता है। एंड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंटल डिजाइंस ऑन द सेलिंग ऑफ हाउसेस एंड अदर बिल्डिंग्स। आपने कई बार देखा होगा लोग छत पे, जो छत का निचला हिस्सा होता है यानी रूम के अंदर से जो छत दिखता है आपको, वहाँ पे बहुत सारे डिजाइंस बनाए गए होते हैं, फ्लावर्स बनाए गए रहते हैं। ऐसा कैसे होता है, वो बनाया जाता है वो गिरता क्यों नहीं है? एक्चुअली देयर दे यूज प्लास्टर ऑफ पेरिस। वो एक बार बना देंगे तो वो एकदम हार्ड हो जाता है, यानी चिपक जाता है, फिर वो चीज़ वहाँ से कभी छूटती नहीं है। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस में इतना ही, उम्मीद है आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप रिवीजन करते रहिए, नेक्स्ट लेक्चर आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है जिसका आपने काफ़ी वेट किया था, अब वो क्लियर हो जाएगा। टिल दैट, थैंक यू सो मच।